इस संदेश के साथ आपकी छोटी माँ ने पत्र भी भेजा है। इसमें लिखा है कि हमें इस संबंध के लिए शीघ्र हाँ कर देनी चाहिए। राणा जी, ये तो मारवाड़ और मेवाड़ की एकता के लिए शुभ समाचार है। यदि दोनों राज्य इस संबंध से एकजुट हो जाते हैं तो पूरे राजपुताने के हित में ही है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा चक्रपाणी कि क्या करे क्या ना करे। वही कीजिए जो आपका मन कहे बाबूजीराज। मुगलों को तो आप खदेड़े चुके ना राजपुताने से। हाँ, पर अभी भी वो मुगल जीवित है चक्रपाणी, और जब तक वो मुगल जीवित है राजपुताने में आपसी एकता बहुत आवश्यक है। बाजीराज, एक बार अपने मन पे हाथ रख के बोलिए कि आपको सचमुच लगता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच ऐसी राजनीतिक संधि की आवश्यकता है जिसका आधार फूल कंवर से आपका विवाह हो। लेकिन चक्रपाणी, फूल कंवर के भावनाओं का क्या? उन्होंने कितने कष्ट लेकर मुर्गा खान के साथ लड़ते समय हमारी सहायता की थी। और पता, अकबर ने मुर्गा खान को विश्राम ना खुद दिया है। चलो छुपा से यहाँ पे जीतना चाहने लगे। बाजी राज, हमारी माने तो फूल कंवर की उस सहायता को एक अच्छा मैत्री व्यवहार समझे। चले उसी राह पर जहाँ आपका मन कहे बाजी राज। कवर भी आपकी अजबे के लिए भावनाओं को जानती है। बस एक बार अजबे से बात करके देखिए बाजीराज। मंगनी बाईसा, आपके लिए फूल कंवर बाईसा ने पत्र भेजा है मारवाड़ से। फूल कंवर हमारे लिए? हाँ बाईसा, लगता है कुंवर प्रताप के संग उनके विवाह के बारे में ही होगा। हाँ बाईसा, राणा जी के लिए जो पत्र आया हुआ है उसके साथ बहुत सारे शगुन के उपहार आए हुए हैं। राणा जी के लिए स्वयं राजा मालदेव जी ने ही भेजे हैं मारवाड़ से। आप जाइए। धन्यवाद। हमें कुंवर प्रताप अच्छा लगा, हम मन से कह रहे हैं कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप इस बात को झुठला सकती हैं जब देखे आप कुंवर प्रताप को पसंद करती हैं? अजबदे, वो हम आपसे हमने आपके फूल से रिश्ते की बात सुनी। ये तो अच्छी बात है ना। रुकिए अजबदे, पहले आप हमारी बात तो सुनिए। सबकी बुराई है, जानते हैं ना आपको। बस यही इतना ही कहना था आपको। जब जब हमारी अधिक बात हुई तब तब संबंध बिगड़े। लोगों के बीच, राजाओं के बीच, राज्यों के बीच। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? विश्वासघात की नींव पर
मारवाड़ और मेवाड़ के संबंधों का महल बनाने चले थे राणा उदय से। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांग चुके हो, इसलिए तुरंत अपना सामान बांध लिया और बिजौलिया के लिए निकल जाइए। दाजी राज को कह दीजिएगा, मेवाड़ और बिजौलिया के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। विवाह के लिए हमारी ओर से आपको खूब सारी शुभकामनाएं। कुछ देर के लिए हम स्वार्थी हो गए थे, हमारी भावनाओं ने हमें स्वार्थी कर दिया था, किंतु फिर आपका पत्र पढ़ने के बाद हमारी आंखें खुली। हम सदा कहते थे ना जब्दे कि हम आपके जैसे कभी नहीं हो सकते। विवाह उससे करो जो आपको पसंद करे, उससे नहीं जैसे आप पसंद करो। यहाँ भी देखिए ना जब्दे, हम तो पसंद करते हैं कोई पता, किंतु कोई पता उनको तो आप अच्छी लगती हैं और आपको भी वो अच्छे लगते हैं। हमें लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। सच अजब्दे, यही सच है। खम्मा खानी हुकुम, वो मारवाड़ से आए शगुन वाले भेंटू पर आप कहें तो आपकी घोड़ा गाड़ी में रखवा दूं। कहीं भी रखवा दीजिए, क्या अंतर पड़ता है। कुंवर प्रताप आ रहे हैं ना? जी हुकुम, आते ही होंगे। कुंवर प्रताप, हम आपसे आपके विवाह के संबंध में खुलकर बात करना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, हम राज बीच में भूलने के लिए क्षमा चाहते हैं। दाजी राज, पर हमें लगता है कि अब हमें इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। सच आप भी जानते हैं और हम भी। व्यक्तिगत भाग के अतिरिक्त इसके साथ जुड़ी मेवाड़ मारवाड़ मैत्री संधि का इतना अधिक महत्व और इससे जुड़ा इतने दुर्गम मिलाप है कि
मेवाड़ फिर से हाथ आए इस अवसर को कैसे गवा सकता है दाजीराज? हमें इसी समय चित्तौड़ के लिए चलना चाहिए और विवाह की तैयारियां करना चाहिए। क्या सच में यही चाहते हैं कौर प्रताप? जब तक युद्ध चलता रहा अजब देश सब कुछ भूलकर बस दिन रात आप सबकी सकुशलता और विजय के लिए पूजा में ही बैठी रहती थी, कुछ खाती ही नहीं थी मैं। अकबर से सारे राजपूत आने को बचाने के लिए हमारी धरती आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांग रही है। जी दाजीराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यात्रा की आवश्यक तैयारियां कर ले। जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं काना जी कैसा हो गया हमसे, हमें लगा कुंवर प्रताप के लिए फूल की भावनाएं मिट गई होंगी अब, किंतु हम गलत थे काना जी। कुंवर प्रताप और फूल के मिलाप को आशीर्वाद दे दीजिएगा, वो हमारे अपने हैं काना जी, इन दोनों को सुख और स्नेह से भर दीजिएगा कान्हा जी, भर दीजिएगा। हंसा भाई जी, राणा जी ने हमारे सामने मारवाड़ का प्रस्ताव पत्र पढ़ा है, ऐसी थोड़ी ना हम कह रहे हैं। कुंवर प्रताप का विवाह फूल कंवर के साथ ही होगा। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है राव जी? कुंवर प्रताप और अजबदे के बीच में एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं, ये तो सभी जानते हैं। सब राणा जी ने भी देखा होगा कि किस प्रकार कुंवर प्रताप की नींद न खुल जाए, इसके लिए अजबदे ने अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की। और कुंवर प्रताप सब मेवाड़ के राजकुमार होते हुए भी किस प्रकार दिन रात अजबदे की सेवा सुश्रू में लगे रहे, क्या वो सब दिखावा था, मात्र शिष्टाचार? नहीं राव जी, वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इस ध्रुव सच को सम्राणा जी भी भूल नहीं सकते। फिर क्यों हो रहा है ये सब? भाई जी, यदि ईश्वर भी राणा जी के सामने आ जाए और उनसे अपनी इच्छा का वरदान मांगने के लिए कहे, तो राणा जी भी कुंवर प्रताप के लिए अजबदे ही मांगेंगे। पर हम सबके सपने हमेशा कभी पूरे हुए हैं क्या? हम सबको, राणा जी को भी, जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा उपदेश होता है तो अपनी भावनाओं को कुचलकर वो निर्णय लेना ही पड़ता है। राजधर्म के सामने ना भावनाओं का कोई महत्व है, ना ही निजी इच्छाओं का। हमारे लिए यही उचित होगा कि हम राणा जी के इस निर्णय का सम्मान करें, कठिन परिस्थिति को और कठिन ना बनाएं, यही हमारा धर्म है। अच्छा भाई जी, संभालिए अपने आप को, यदि आपके आंख से आंसू निकल गए तो अजबदे को कौन संभालेगा?
जा रहे हैं विचित्र। आज ही जाने के लिए कह रहे थे, हमने आग्रह किया। कल मंदिर में पूजा के बाद वो चले जाएंगे। आपको पता चल ही चुका हो कि मारवाड़ से आए विवाह प्रस्ताव के बाद अब कुंवर प्रताप और फूल कंवर का विवाह लगभग निश्चित ही है। कल मंदिर में पूजा के बाद राणा जी के साथ कुंवर प्रताप भी चित्तौड़ चले जाएंगे। हमें नहीं पता उसके बाद कुंवर प्रताप यहां वापस कब आएं या फिर कभी आएंगे भी या नहीं। इसीलिए राव जी ने कहा है कि उनकी ये विदाई ऐसी होनी चाहिए कि उनके लिए ये एक स्मरणीय क्षण बन जाए। जुड़ी हर बात में हम आपकी सहायता करेंगे। कुंवर प्रताप के लिए विधाई उपहार क्या लेना है ये भी सोचने में हम आपकी सहायता करेंगे। माँ कुंवर प्रताप के लिए कुछ ऐसा लेंगे हम जो उनके लिए सदा उपयोगी, जो उन्हें सदा याद रहे। ठीक, हमने अभी आपको हृदय विदारक समाचार सुना और उसे सुनने के बाद भी हमसे इतनी सहजता से बात कर रही हैं। क्या मत हमारे अंदर सब कुछ चूर चूर हो रहा है। माँ, हम सब अपने अपने कर्तव्य से बंधे हुए, आप भी हम भी, तो चलिए वही करते हैं माँ जो हमारा धर्म कहता है। ये क्या मांगे? सारा का सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसे जल्दी से बांधो और मारवाड़ भेजने की तैयारियां करो। और जीजा ने सब देख लिया है ना? हमारी फूल को भेजने के लिए ये लहंगा ठीक है या फिर आपको वो पसंद है जिसपे सोने के तार है? यही भेज दीजिए। ये क्या चीज़ है? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए था पर आप है कि उदास खड़ी हैं। अब छोड़िए ना ये उदासी, कुंवर प्रताप का विवाह होने जा रहा है। फूल कंवर जैसी राजकुमारी आपकी बहू बनने वाली है। अब तो राणा जी भी सहमत है। उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा उन्होंने, पर संदेशा मिलते ही वे चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या जब देखा विचार उन्होंने बिचौलिया में छोड़ दिया? हाँ ठीक कह रही हैं आप धीर भाई जी, ये हुई ना कोई बात। अब ये लीजिए, आपकी बहू के सगाई का जोड़ा आप ही तैयार करके मारवाड़ भिजवाइए। ये भी शकुन है। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? हमें व्यक्तिगत रूप से भी यही लगता है कि फूल कंवर और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेंगे। क्या है अजबदे में एक भोली भाली भावुक मूर्ख व्यक्तित्व वाली लड़की है